साल बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐतिहासिक फिल्में बनने जा रही है। आज निर्देशक करण जौहर ने 1940 दशक के पुराने पीरियड ड्रामा कलंक पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। आलिया भट्ट की फिल्म राजी 1971 में इंडो पाकिस्तान की जंग पर आधारित है। यह फिल्म 11 मई को रिलीज होने वाली है। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी फिल्म में कंगना रनावत रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी पर आधारित फिल्म लेकर आई है। झांसी के रानी की बहादुरी के किस्से इस फिल्म में कंगना रनावत जीवित करने वाली है। थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी 19वें दशक की एक पीरियड ड्रामा है। इस फिल्म में आमिर खान के अलावा अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ, जायरा वासिम मुक्ता किरदार में है। यह फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी। परमाणु 1998 में भारत सरकार राजस्थान के पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण पर आधारित है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम और डायना लीड रोल में है। फिलहाल फिल्म लीगल मैटर्स में फंसी हुई है। पानीपत फिल्म में संजय दत्त के अलावा अर्जुन कपूर और कृति सैनन है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर पर आधारित है। गोल्ड फिल्म आजाद भारत के सबसे पहले ओलंपिक गोल्ड पर आधारित है, जिसे भारत ने ईयर 1948 में जीता था। अक्षय कुमार की ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज की जाएगी। बैटल ऑफ सरग्राही, रणदीप हुडा और अक्षय कुमार दोनों इस विषय पर फिल्म बना रहे हैं। यह 1897 दशक की कहानी है। जेपी दत्ता की फिल्म पलटन की कहानी नाथुला और चोला पर हुए हमले पर आधारित है। यह फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी। अजय देवगन की फिल्म तानाजी की कहानी तानाजी मालुसरे की जीवन पर है।